RKDEMY. Starting with the new module, that is new topic, that is bolted joints. ये design नहीं है, ये calculation है. अलग-अलग situation के हिसाब से you will calculate. इसका concept ये है. Suppose मेरे पास ये duster है, जिसको मेरे को board के साथ fix करने का. Multiple options है. Board के साथ fix कर, इसको bolt लगा. कितना bolt लगाने का है? दिया रहेगा. कहां पे लगाने का है दिया रहेगा, बट किस साइज का बोल्ट लगाने का है वो तेरे को कैलकुलेट करने का. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फाइंड द साइज ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस. यस, देयर आर थ्री वेज इन विच सिस्टम को माउंट करेंगे. फर्स्ट केस वन से चालू करता हूं मैं, स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे हम लोग. केस वन, सपोज मेरे पास एक सरफेस है, ये आ गया मेरे पास सरफेस. ये सरफेस पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट को मेरे को बोल्ट करने का है. ये सरफेस पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट को बोल्ट करने का है. कहां बोल्ट करने का है? एक, दो, तीन, चार. ये चार बोल्ट लगाने का है. तो सामने से देखोगे, यस यू आर सीइंग द बोल्ट वेरी क्लियरली. मैं क्या बोला था, कहां लगाने का है बोल्ट और कितना बोल्ट लगाने का है वो दिया रहेगा. तो बचा क्या है? साइज. बट नाउ ठीक होता है, ये बोल्ट करने में क्या एक बोल्ट से भी काम हो जाएगा? प्रॉब्लम कभी होता है, इसमें एक फोर्स अप्लाई हुआ है. और कैसे फोर्स अप्लाई हुआ है? द फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस. बहुत सारे केसेस है, एक एक केस आराम से देखेंगे हम लोग. फर्स्ट केस, नाउ ये जो फोर्स अप्लाई किया है, लेट मी कॉल दिस फोर्स एज पी. आई नीड टू नो ये फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट मैं बोलता हूं प्राइमरी कंडीशन. फर्स्ट मैं बोलता हूं प्राइमरी कंडीशन. नाउ प्राइमरी कंडीशन मतलब जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्या ना इसे पूरा सिस्टम सीधा गिर सकता है? अगर ये बोल्ट बहुत कमजोर है, ये पूरा फ्रेम सीधा गिर जाएगा, तो बोल्ट क्या होएगा? टूटेगा. कैसे टूटेगा बताएं? ये बोल्ट था, बोल्ट का एक पोर्शन ये प्लेट के अंदर है और रिमेनिंग पोर्शन पीछे दीवार पे. अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया और बोल्ट ऐसे टूट गया, कि नहीं इसे ये सरफेस इसके साथ रब होएगा. व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज शियर. तो पहला मेरे पास प्राइमरी शियर है, दैट इज प्राइमरी शियर. नेक्स्ट आता है मेरे पास सेकेंडरी कंडीशन. नाउ सेकेंडरी कंडीशन के लिए जो बोल्ट है, बोल्ट का सेंटर ढूंढ. कि नहीं इसे ये बोल्ट नेटवर्क का सेंटर इधर किधर रहेगा? यू नो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मोमेंट. फोर्स इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मोमेंट. ये मोमेंट के वजह से ये जो फ्रेम है, कि नहीं इसे ये फ्रेम ऐसे ट्विस्ट हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्विस्ट होने दे. जब ये ट्विस्ट होएगा, बोल्ट के बारे में सोच, कि नहीं इसे बोल्ट ऐसे था, ये प्लेट के अंदर जो बोल्ट था, कि नहीं इसे उस तरफ जाने की कोशिश करेगा और दीवार के अंदर जो है वो उधर ही रहेगा. दीवार फिक्स्ड है ना, सो दिस विल बी फिक्स्ड. और ये जो बोल्ट था जो प्लेट के अंदर है वो ऐसे जाने की कोशिश करेगा. इन सच ए केस, कैन आई से इट विल ब्रेक? प्राइमरी में कैसे ब्रेक हो रहा था? सीधा नीचे. सेकेंडरी में कैसे ब्रेक हो रहा है? वो ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, घूम रहे हो. इधर केस, कैन आई से ये दो सरफेस के बीच में रब होएगा? दो सरफेस जब रब होता है, दैट इज कॉल्ड एज शियर. बट कौन सा शियर? सेकेंडरी शियर. सेकेंडरी शियर, ये शियर है, ये भी शियर है. शियर शियर सेम फैमिली के. अगर मेरे को टोटल शियर निकालने का है, अगर सपोज मेरे को टोटल शियर निकालने का है, टोटल शियर इज प्राइमरी शियर द होल स्क्वायर प्लस सेकेंडरी शियर द होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स प्राइमरी शियर सेकेंडरी शियर इंटू कॉस थीटा. इतना नहीं, इसका अंडर रूट. इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल शेयर. और जैसे ही टोटल शेयर मिलेगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसर आ जाएगा. यस, ये एक सिंपल केस था. नेक्स्ट केस टू. लेट मी टेक एज मेनी केसेस एज पॉसिबल, फिर तुम डिसाइड करो कि हर केस में डिफरेंस क्या है. मेरे पास एक दीवार है, एक सरफेस है, जिसपे मेरे को एक प्लेट को बोल्ट करने का एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, करना भी चाहिए. ये हो गया बोल्ट. कितना बोल्ट लगाया मैंने डिसाइड किया, आई विल बी प्लेसिंग हाउ मेनी बोल्ट्स? फोर. ये बोल्ट का सेंटर है,
और वही लाइन पे एक एक्शियल फोर्स लगाया गया है पी। अभी सोच क्या होगा, ठीक है? फर्स्ट तुम बताओ प्राइमरी हो क्या सकता है, एंड बाद में तुम बताओ सेकेंडरी क्या होएगा, फिर मैं बताता हूं टोटल कैसे करना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। चल फर्स्ट, ये बोल्ट था, ये पूरा बोल्ट है, किधर खींचा जा रहा है उसको? अगर उस तरफ खींचा, ऐसा चांस है ना कि बोल्ट टूट गया? अगर बोल्ट टूट गया, कैन इट विल ब्रेक लाइक दिस? दो सरफेस अभी स्रब होता है, दैट इज कॉल्ड एज शियर। तो बराबर प्राइमरी मेरे पास फिर से शियर है, सेकेंडरी के लिए घूमना चाहिए। घूमने के लिए क्या चाहिए? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो मिल गया, बट डिस्टेंस है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वो सेंटर के अंदर ही जा रहा है। इन शॉर्ट देयर इज नो सेकेंडरी कंडीशन। तो टोटल कैसे निकालेगा? टोटल कैन बी रिटन एज, सोचना रे, मेरा हेल्प नहीं लगना चाहिए इसमें। टोटल इज नथिंग बट टाउ पी। प्राइमरी मेरा टोटल, एक ही स्ट्रेस है मेरे पास। ये भी इजी था, चलो और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। केस थ्री, केस थ्री, अगर सपोज मेरे पास एक सरफेस है, अभी सरफेस तो सामने से नहीं देख रहा है, कहां से देख रहा है? साइड से। और एक प्लेट है जो मैंने सरफेस के साथ लगाया ऐसे, और मैंने बोल्ट लगाया, एक बोल्ट लगाया, दो बोल्ट लगाया, चल पीछे भी बोल्ट लगाया, तो ये फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, यहां पे थर्ड और उसके पीछे फोर्थ। तो ये प्लेट को मैंने सरफेस के साथ ऐसे बोल्ट लगाया, मतलब फर्स्ट केस में मैंने किसके साथ लगाया था? दीवार के साथ। सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं मैं? इसको ऐसे रख रहा हूं दीवार के साथ, और मैं बोल्ट लगा रहा हूं साइड से, वो कुछ फ्लैंज रहेगा, तो फ्लैंज का बोल्ट लगाऊंगा। नाउ सोच, पहले पहले फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया? पी। सुन रहे ना? अभी तेरे को इमेजिन करना चाहिए प्राइमरी क्या हो सकता है, एट द सेम टाइम सेकेंडरी भी क्या हो सकता है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी तू मेरे लिए देता है 100%, आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टोटल। फाइन, प्राइमरी जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऐसे हो सकता है? नहीं, पूरा फ्रेम ही नीचे गिर गया। अगर ऐसे हुआ, ये बोल्ट जो था, आधा बोल्ट इसके अंदर, बाकी आधा दीवार के अंदर, अगर ये सीधा नीचे गिर गया, कि नहीं, तो ऐसे टूट गया। दो सरफेस अगर ऐसे टूटता है, दिस इज कॉल्ड एज शियर। तो मेरे पास क्या रहेगा? प्राइमरी शियर, प्राइमरी शियर। सेकेंडरी के लिए घुमाना पड़ता है, यू नो, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मोमेंट। अगर मैंने मोमेंट अप्लाई किया, देयर इज अ चांस दैट ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, कैन आई से फ्रेम ऐसे जाएगा? अगर ये फ्रेम ऐसे गया, ये जो बोल्ट है, कैन आई से उसको बाहर खींचा जाएगा, और ये जो बोल्ट है इसको भी बाहर खींचा जाएगा। अगर कोई भी बोल्ट को बाहर खींचते हम लोग, दैट इज नॉट श्योर, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल। तो मेरे पास सेकेंडरी, सेकेंडरी टेंसाइल कंडीशन रहेगा। शियर और टेंसाइल को क्लब करने के लिए, तो मेरा टोटल इज नथिंग बट सिग्मा टी सेकेंडरी बाई टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ प्राइमरी द होल स्क्वायर, और ये पूरा मिला के क्या मिलेगा मेरे को? टाउ मैक्स, एंड इट इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस। इजी था? कौन सा बोल्ट? देख पहले फर्स्ट केस की सेकेंड केस, चल फर्स्ट केस सुन ले, बोल्ट ऐसे था, रुक जा, बोल्ट ऐसे था, अगर फोर्स अप्लाई किया, ये बोल्ट सीधा ऐसे टूट गया, तो दिस इज कॉल्ड एज शियर। अगर ये घूमता है, तो इसको बाहर खींचा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल। इसको 3D में डायग्राम सीधा ड्रॉ करके देता हूं मैं। अगर ये डायग्राम हम लोगों ने 3D में बनाया होता, ये आ गया मेरे पास एक फ्रेम जिसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा हुआ था, चलेगा? और ये था मेरे पास दीवार, दिस वॉज द वॉल। मेरे को ये ब्रैकेट को दीवार के साथ लगाने का था, तो मैं क्या करूंगा? इधर एक बोल्ट लगाता हूं, इधर एक बोल्ट लगाता हूं, पीछे एक बोल्ट लगाता हूं, इधर एक बोल्ट लगाता हूं। ये आ गया मेरा 3D डायग्राम, मतलब इट विल बी प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द वॉल, वॉल से बाहर, और ये वाला वॉल से बाहर नहीं आएगा, वॉल पे ऐसे चिपका हुआ रहेगा। दिस विल बी कमिंग आउट ऑफ द वॉल, ऐसे प्रोट्रूड करेगा। यस, तीसरा केस इरेज कर दू, ये तीसरा केस, केस फोर। केस फोर में व्हाट आई डू इज, सेम एग्जांपल लेता हूं तेरे लिए, चल वन मोर टाइम लेट मी टेक द सेम एग्जांपल। सिमिलर लुकिंग फ्रेम लेता हूं मैं, बोला मैं बोल्ट लगाया हूं, कितना बोल्ट वो क्वेश्चन में बोला रहेगा,
इस टाइम मैं क्या किया, फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई किया, मतलब इधर परपेंडिकुलर था उधर पैरेलल फोर्स। अगर फोर्स ऐसे अप्लाई किया, सोच के देखना चाहिए प्राइमरी क्या हो सकता है, सेकेंडरी क्या हो सकता है, एंड टोटल अगर कभी निकालना पड़े तो टोटल क्या हो सकता है। स्टार्ट करें, अगर मैंने ये फोर्स अप्लाई किया कि नहीं से ये जो बोल्ट है उसको बाहर खींचा जाएगा, अगर बोल्ट को बाहर खींचा गया टेंसाइल, तो मेरे पास टेंसाइल कंडीशन रहेगा प्राइमरी में, बराबर। नाउ घुमाने के लिए ये दोनों बोल्ट का सेंटर क्या नहीं से इधर किधर तो है, यू नो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मोमेंट। ये मोमेंट के वजह से, ये मोमेंट के वजह से, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मोमेंट के वजह से क्या नहीं से इसको ऐसे एक बेंड होने का चांस है, जब ये ऐसे घूमेगा क्या नहीं से बोल्ट को बाहर खींचा जाएगा, ये बोल्ट को भी बाहर खींचा जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा वो बोल्ट को खींच के निकलेगा, वो अगर बोल्ट को खींचा जा रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंसाइल, बट कौन सा टेंसाइल, सेकेंडरी। अलग अलग है कि सेम फैमिली के, क्या करने का है अगर मेरे को टोटल निकालने का है, इट इज नथिंग बट प्राइमरी प्लस सेकेंडरी टेंसाइल। शियर के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किए, अगर ये शियर थीटा का वैल्यू सोच जीरो है, जीरो है सोच, तो ये पूरा टर्म कह रहे हैं इसे वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ, तेरे इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, टाउ प्राइमरी प्लस टाउ सेकेंडरी प्लस टू टाइम्स टाउ प्राइमरी टाउ सेकेंडरी, कहना इसे ऐसे बचेगा, तो बता ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ प्राइमरी प्लस टाउ सेकेंडरी द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, वो स्पेशल केस है, तो दिस इज नॉर्मली इसके लिए यूज करते हैं, और वो डायरेक्टली वहां पे यूज कर सकते हैं, नहीं आएगा ना उसमें, दोनों को एक ही डायरेक्शन में खींचा जा रहा है ना, ये बोल्ट को कोई ऐसे जा तो भी यही खींचेगा, अगर घूमेगा तो भी इधर ही खींचेगा, तो एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री हो गया। केस टू में पैर, बच्चा बोल्ट ऐसा है, बोल्ट को अगर तू बाहर खींचता है तो टेंशन है, अभी तू बोल्ट को उधर तोड़ रहा है तो शियर ही हो गया। सो दीज आर फोर केसेस विच आर अवेलेबल टू यू, तेरा फर्स्ट काम है कि चार में से कौन सा केस है आइडेंटिफाई करने का, जो सेकेंड तूने आइडेंटिफाई कर लिया को पता है कौन सा स्ट्रेस एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैलकुलेट करने का, बाद में टोटल करने का भी तरीका दिया होगा। यस, हेडिंग लिख सकते हो बोल्टेड जॉइंट्स, याद रख व्हाट टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, यू आर फाइंडिंग साइज ऑफ बोल्ट, यही एक चीज ढूंढने का है तुम्हें इसमें, एंड फॉर दैट यू हैव फोर केसेस।